सीन ऐसा है, तो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, जय लेके जा रहे हैं मुझे, और रात हो गई है, 9:30 बज गया है। जय बोले पता नहीं खुला होगा कि नहीं, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं खुला होगा, क्योंकि आज कल करवा चौथ है, तो 11-12 बजे तक लोग बैठते हैं, तो जा रहे हैं। तो कोई है जो बहुत बहुत रो रहा है मेरे साथ जाने के लिए, वो देखिए, चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, मौका बहुत अच्छा दीजिए, जल्दी नहीं आ जाओ, जल्दी आ अच्छा जाओ, अभी जल्दी लेकर आ जाओ, कुछ खरीदवा देना जा जाओ। अच्छा चांद कर रहा, मैं नहीं बोला, मैं नहीं वापस बोल सकती। आ जाओ। अरे ये तो नकली में रो रहा था। असली में रो रहा था। देखो देखो मूड चल रहा है हमारे साथ। बहुत रो रहा था, है ना। आज मम्मी को मेहंदी लगवाने ले जा रहे हो आप? क्या पापा ले जा रहे, मैं थोड़ी। अच्छा हाँ, लेकिन फिर पापा ले जाए तो आप क्यों चल रहे हो मेरे साथ? नहीं भाई, मैं कुछ दिलाने वाली नहीं हूँ, लेकिन आपको इतना याद रखना। नहीं 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 दीदी ने बोला है दीदी, जो ग्राउंड फ्लोर दबाना ही नहीं पड़ा, किसी ने पहले ही सर। बुला दिया दीदी, जो मैंने बोला था जो घर पे रहेंगे उसको मैं चॉकलेट लेके आऊंगी, आप तो मेरे साथ चल रहे हो तो चॉकलेट आपका फ्रेंड है। अपना फेस दिखा दो, अपना प्यारा वाला फेस दिखा दो, इधर इधर मम्मा को दिखा दो, स्मार्ट बॉय। अब चलो ठीक, फटाक से लगा लो लगा लो लगा लो, चलो चलो, है ना। अरे बाप रे, लाइन लगी बेटा, ना तो पीछे हो जाओ, मम्मा मम्मा बात कर ले। सो फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी नहीं लगी क्योंकि बहुत भीड़ थी और हर जगह वेटिंग ही था, तीन चार। अगर मैं रुकती तो कम से कम आराम से 12:30 तो बज ही जाएंगे, तो मतलब ही नहीं है। और मैंने कुछ खाया नहीं और ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, तो फिर अभी आरो को भूख भी लग गई है, तो हम आरो को मैगी में आना था, तो आज आरो को मैगी लेके आए हैं, फिर इसलिए मैं मेहंदी अब घर पे खुद से लगाऊंगी या जय लगाएंगे, जो भी देखते हैं। तो आज हम लोग मैगी में आए हैं। तो फ्रेंड, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, जो भी पता नहीं क्या क्या लेंगे, आपको क्या खाना है मुझे मालूम नहीं। मतलब मैं इतनी दूर आई लगाने के लिए और मेहंदी नहीं लगा। ये बोले गाइस कि हम यहाँ मेहंदी में से खा के फिर हम चलते हैं, मेहंदी लगवा लेते हैं, लेकिन मैं बोली नहीं, अब हम घर पे जाके ही लगा लेंगे, और घर पे मेरे पास मेहंदी भी पड़ी हुई है तो मैं लगा लूँगी गाइस फिलहाल, देखते हैं। अब जैसा सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, बट नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान में रहेगा कि मुझे मेहंदी लगाना है तो मुझे पहले आना है, या तो फिर मुझे खाना वाना खा के अच्छे से। ठीक है, देखते हैं। क्या ऑर्डर किया आपने? मैंने किया है मिल्क शेक और फ्रेंच फ्राइज। ओके, तो मतलब आपका फ़ायदा हो गया। और दीदी के लिए क्या लिया है? वही सेम टू सेम। हाँ अच्छा, अपना फेस दिखाओ एक बार। जय लेके आ रहे हैं। ओहो आ गया दारू का मिल्क, स्ट्रॉबेरी मिल्क वाला पार्सल हो जाएगा, दीदी का पार्सल हो जाएगा। हाँ ठीक है, और दीदी के लिए भी मिल्क शेक लिया आपने? ओहो आरो, ओहो आरो, इज द स्माइल। कैसे आरो? इसी चक्कर में आया ही था, पता है आपको, इसी चक्कर में आया था। आरो हमेशा सेटिंग में रहता है। हाँ, और घर पे खाना, घर का खाना कौन खाएगा? पापा और आप सब खाएंगे, खाना बना हुआ है। ठीक है चलो, तो फटाफट खा लेते हैं। आरो की तो पार्टी हो गई आज, है ना आरो, आपकी तो पार्टी हो गई। ये वृद्धि का पार्सल है, चलो वृद्धि भी हैप्पी हो जाएगी। अच्छा आइडिया है, फिनिश करने का, दो दो स्ट्रॉ से पी रहा है। इधर बेटा स्ट्रॉबेरी शेक खत्म कर रहा है, इधर पिता देखो भैया। कोई बात नहीं, चलो मेहंदी है। कितने दिन से मेरा गाने का मन था, लेकिन लव नहीं था ना।
क्या कितने दिन छोड़ा खाने का, वो छोड़िए जी पहले अपने खाने पे ध्यान। और कुछ चाहिए कि बस यही था? मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक, कौन सा, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, कोई भी चलेगा, पकड़ो पकड़ो, पूरी स्ट्रॉबेरी फाइव, थैंक यू, मेरे को सॉस दे दो, वो एक नहीं दे रही, हां क्या है ना, मेरे को सॉस के ये सॉस दे दो, हम लोग ले रहे हैं, अभी आओ ना, देखा वृद्धि का रिएक्शन, वृद्धि खाने के मामले में सॉस पी रहा है, सॉस पी रहा है, ठीक है बस। वेरी नाइस बाबा, आ रहा हूँ, गन अपने हटाओ, मैंने पहले अलाउड हो गया, आ रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेशन में मत प्लीज, वो पी क्या है ना, अरे नहीं मैं वाल से देखा है, वो ऐसे शर्मा रहा है बेचारा, देखो जरा, हाय हाय शर्मा गए, बाबा रिमोट दो, कुछ अच्छा लगाना आ रहा हूँ, अभी तुमको व्रत रखना है, कल रखना ही पड़ेगा, किसने बोला, कौन सी पुराण में लिखा है, क्यों व्रत रखोगे, करा चौथ का जल्दी बोलो, क्योंकि अरे यार क्या बताऊँ, अरे बता, अपनी बीवी के लिए रख रहे हो क्या, अपनी होने वाली बीवी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, जल्दी बोलो, होने वाली बीवी के लिए, होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए बोलो, इधर इधर रख के बोलो, क्या तुम उनको धमकी दे रही, अरे उनको पता चल जाता है मुझे, किसके लिए बोलो, पानी पियो 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 बताओ, तुम कैसे कर ले, मतलब ये भाई बहन का कुछ वाइफ के लिए, वाइफ के लिए सही बोला ना, वाइफ के लिए ना, सही तू गर्लफ्रेंड के लिए क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी गर्लफ्रेंड कभी होगी ही नहीं, लॉजिक। फ्रेंड्स अन्नू गई थी मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि कोई दो घंटा डेढ़ घंटा उसके पहले रेडी ही नहीं था, तो फाइनली अनु ने डिसाइड किया कि वो मेहंदी खुद लगाएगी। मैं बहुत अच्छा मेहंदी तो नहीं लगाती हूँ, बहुत अच्छा मेहंदी तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उज्जैन लेके मुझे गए थे, लेकिन वहाँ पे मैं एक्चुअली रुक जाती थी, लेकिन मैंने खाना भी नहीं खाया था, उज्जैन बोले कि नहीं खाना नहीं खाया है तुमने, और फिर मैंने तो कोई बात नहीं थी घर पे, नहीं तो फिर पूरा शाम पूरी रात फिर कल पूरा दिन फास्ट, वो ज्यादा हो जाता फिर, तो मैं गए बट मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, मतलब तो पूरा दिन पानी भी नहीं कुछ नहीं, पहले घर पे चलो, कोई बात नहीं, इट्स ओके मम्मा, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम कब, अब सीधे सेल की शादी में जल्दी आने वाली, जल्दी है ना, हाँ जल्दी आने वाली, मेरे तो कलर तो आएगा ना, अब देखो बेटा कलर तो डिपेंड ऑन तुम्हारे पापा के प्यार पे, अगर मुझे प्यार करते होंगे तो 100% करते होंगे तो 100% कलर आएगा, नहीं तो सुबह ही पता चलेगा।